दोनों कैप्टन स्टेज पर हैं। हाँ शिल्पा जी एंड भूमि जी, तो एक काम करते हैं, अभी आपने परफॉर्मेंस खत्म किया तो कैप्टन जावेद से पूछ लेते हैं। सर ये जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, आपको लगता है ये गुजरात रॉकर्स को रॉक ना कर दे इनकी परफॉर्मेंस? जो खूबसूरत फूल हमारे सामने मौजूद हैं जी, उन दोनों फूलों की खुशबू अलग है। अब ये कह पाना, ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन किससे बेहतर था। शिल्पा की आवाज़ में जो है वो बहुत मखमली सी आवाज़ है शिल्पा की। और हमारी जो भूमि है वो एकदम शेरनी की जैसी दहाड़ती है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नगाड़े संग ढोल बाजे में जो लास्ट में जो वो छंद गाया है ना, वो छंद की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी भूमि थोड़ा सा आगे है। कैप्टन कैलाश सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भूमि का एक्ट था उसने जो थोड़ा 19-20 सुर में हुआ था गाने का, उसने कवर किया। और जो जावेद साहब ने कहा है कि छंद, हाँ बड़ी अच्छी बात है, छंद अच्छी चीज़ है, लेकिन वो कुछ चंद ही लोग समझेंगे। सर बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ कि लाइव में, मैं समझती हूँ कि लाइव में अगर वो छंद ना बाय हार्ट करके सुर में ना गाया जाए तो किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन नॉन म्यूजिकल इंसान भी ये समझ सकता है कि कुछ हो रहा है, कुछ कमाल की चीज़ है। और जहाँ की मैं आपके बिल्कुल कमेंट्स से सहमत हूँ भी नहीं भी पता नहीं, बट मैं मानती हूँ कि सर लाइव में, लाइव परफॉर्मेंसेज में हर किसी का सुर यहाँ वहाँ 19-20 तो होता ही है। हमारा जो सुर होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है उसके आसपास ही हम सब लोग गाते हैं, कोई 440 गाता ही नहीं है। अगर किसी के कान को ये खटका नहीं कि मैं कैसा गाया तो समझ लो वो सुर में गाया। कोई सुर में एकदम 440 गा ही नहीं सकता। वाह, बने रहो जावेद, मेरे को तो सर बढ़िया सर, वेरी गुड सर। और सर लेकिन शिल्पा ने जो आज गाया, हाँ वो कमाल गाया, वाह 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 भाई वाह, बने रहो भाई। हमें तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि गर्मा गर्मी बढ़ रही है।